हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम एक अलग एडिटिंग करने वाले हैं अपने पिक्सार्ट की मदद से। तो यार, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। अगर आप स्किप करोगे स्टेप से मिस हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि यार स्टेप से मिस हो आप। तो यार, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहकर बिना स्किप किए। तो यार, आज हम कुछ इस तरह की एडिटिंग करने वाले हैं अपने पिक्सार्ट की मदद से। तो यार, इसी बात पर लाइक कर देना यार वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को तो भूलना ही मत, ताकि आप इस तरह की आने वाली वीडियो से मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लेना है। तो ऐसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों, इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आपको ऊपर दिख रहा होगा ये वाला आइकन कैमरे वाला, सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। तो सिर्फ टैप कर देंगे आप कैमरे के आइकन पर। टैप करने के बाद आपको बैक या फ्रंट कैमरा जैसा भी हो आपको ओपन कर लेना है। तो ऐसे मैंने बैक कैमरा ओपन करा है। ओपन करने के बाद आपको अपना फिंगर लेना है कुछ इस तरह से, और फिंगर लेने के बाद आपको अपने कैमरे के ऊपर इस तरह से रख देना है। तो ऐसे हम रख देंगे। अब दोस्तों, कैमरे पर मैंने फिंगर रख दी है। अब आपको करना क्या है, अब दोस्तों नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। सिंपली आपको यहाँ पर बूमरैंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो ऐसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपके पास MI का फोन है तो आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए सिंपली स्क्रीन पर तीन फिंगर को इस तरह से रख देना है और नीचे की तरफ स्वाइप कर देना है। तो हम स्वाइप कर देंगे। जैसे मैं स्वाइप करूंगा तो मेरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोने में नजर आ रहा होगा। और अगर आपके पास और कोई डिवाइस है तो जैसा आप स्क्रीनशॉट लेते हो उस तरह से आप ले लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको अपना पिक्सार्ट ऐप ओपन कर लेना है। पिक्सार्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं उस ऐप को। जैसे अपना पिक्सार्ट ऐप ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने पिक्सार्ट ऐप को ओपन कर लिया है। अब मैं एडिट वाले ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से एक फोटो को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना एक फोटो। तो यहाँ से मैंने एक फोटो को सिलेक्ट करा है। आप चाहे जो अपनी फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो मर्जी है। तो फोटो को सिलेक्ट करने के बाद हम इस फोटो का थोड़ा सा साइज बढ़ा लेंगे, ताकि हमको एक बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड हो। तो साइज बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना टूल्स वाले ऑप्शन में। तो हम चले जाएंगे, और टूल्स वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा रिसाइज का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर टैप कर देना है। टैप कर देंगे। टैप करते ही यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको सारा का सारा कट कर देना है, और यहाँ पर आपको ऐड कर देना है 5000, और देखते हैं स्क्रीन पर क्या साइज शो होता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 25:21 शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट घटाकर दोबारा से वही साइज डाल देना है। तो हम डाल देंगे। तो यहाँ से मैं 25:20 डाल देता हूँ, और डालने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली डन कर देना है। तो हम डन कर देंगे। इतना करने के बाद आपकी जो फोटो का साइज यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। अब दोस्तों, इसके बाद हम इसमें PNG ऐड करेंगे। तो भाई, PNG का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ऐसे मैं ऐड फोटो के ऑप्शन में जाऊंगा और अपने PNG को सिलेक्ट कर लूंगा। तो ऐसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाला PNG सिलेक्ट करा है, इसे आपको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। तो हम बड़ा कर देंगे इस तरह से। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लग रहा हो। तो ऐसे मैं इस तरह से कुछ बड़ा कर देता हूँ। और बड़ा करने के बाद आपको वही स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट कर लेना है जो हमने इंस्टाग्राम पर लिया था। तो ऐसे मैं प्लस वाले आइकन पर जाऊँगा और अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ऐसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट सिलेक्ट कर लिया है, इसे आपको यहाँ पर बॉर्डर के मुताबिक यहाँ पर इस तरह से बड़ा कर देना है। तो ऐसे हम बड़ा कर देंगे कुछ इस तरह से। आपको उसी साइज में बड़ा करना है जैसे आपके बैकग्राउंड में PNG है। तो ऐसे मैंने कुछ इस तरह से बड़ा कर दिया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको जाना है ब्लाइंड वाले ऑप्शन में। तो ऐसे हम चले आएंगे। ब्लाइंड वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली कर देना है स्क्रीन। तो ऐसे हम स्क्रीन कर देंगे। अब स्क्रीन करते आपका काम हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ पर बन चुकी है। तो इसे हम यहाँ से डन कर देंगे। तो ऐसे डन कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा फोटो कितना बढ़िया लगने लगा है, एकदम 3D इफेक्ट टाइप शो हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो आप चाहे इसमें इफेक्ट भी डाल सकते हैं, जो आपका मर्जी हो। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाकर अब हम इसे सेव करेंगे। तो ये सेव करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है ड्रॉ वाले ऑप्शन में। तो ऐसे चले जाएंगे। ड्रॉ वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 3 डॉट का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर टैप कर देना है। तो ऐसे हम टैप कर देंगे। टैप करते हैं यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। तो भाई, यहाँ पर आपको सेव इमेज वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो ऐसे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपकी फोटो अगर गैलरी में सेव हो जाएगी हाईएस्ट क्वालिटी में। तो यार, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो यार, इसी बात पर एक लाइक कर देना यार। और यार, चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप आने वाली इस तरह की वीडियो से मिस ना हो पाए। तो यार, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर कल लौटूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।